ओम शांति। वो कलयुग का अति हाहाकार का समय आ गया है। वो समय अब हमारे सामने ही है, जिसका शास्त्रों में महान ऋषि मुनियों ने गायन किया है। पांचों विकार हर मनुष्य के अंदर चरम सीमा पर हैं। हर कोई अंदर से परेशान है। सब कुछ होते हुए भी जीवन दुख में है। प्रकृति भी विकराल रूप ले रही है। बीमारियां भी कड़े रूप में सबके सामने आ रही हैं। कोई अछूता नहीं रह पा रहा है। परिवार और संबंधों में सुख समाप्त हो गया है। सब कुछ होते हुए भी मनुष्य बेचैन है, असहाय है, दर्द में है। अब ये परिस्थितियां समय के साथ और ही बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। इन सब में एक ही सहारा अब काम में आएगा, वो है प्रभु पिता की शरण। जब संसार में कुछ भी काम नहीं आता है, तब उसका साथ और ज्ञान ही सबका सहारा बनता है। इसलिए अब उस एक की शरण में आने का, उसका हाथ पकड़ने का समय आ गया है कि ये विकारी पुरानी विनाशी दुनिया की किसी भी चीज या वस्तु से किसी को कोई सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए अब सच्ची सुख शांति एक परमात्मा की शरण में ही प्राप्त होगी। उसका ज्ञान ही हमारा सच्चा मार्गदर्शन करेगा। उसका साथ ही हमारा बल बनेगा। वही हमारा सच्चा पालनहार है। अजन्मा अभोक्ता सर्वशक्तिवान है। उसकी शरण में आ जाओ तो आने वाली हर विपत्ति में सेफ हो जाओगे। जीवन की नैया इस विषय सागर से पार हो जाएगी। अब इस समय को नहीं जाने दो। निद्रा की आंखें खोलो। अब ये दुनिया कुछ दिनों की मेहमान है। इससे अब कोई प्राप्ति नहीं है। महापरिवर्तन सामने है। प्रभु की गोद ही अब सबका सच्चा सहारा है। आओ प्रभु पिता के पास आओ, उसकी गोद में आओ। ओम शांति।